असुन्ना टूर्स एंड ट्रैवल्स गुलबर्गा शहर में हाफिज इस्माइल जमाई साहब की निगरानी में पिछले कई सालों से चल रहा है और इस ट्रैवल्स के जरिए सुन्नत के मुताबिक उमरा कराया जाता है। पिछले ग्रुप में उमरा की शहादत हासिल कर चुके लोगों ने इनकी सर्विसेज को देख अपने अच्छे तासुरात पेश किए हैं, जिसमें कर्नाटका के मुख्तलिफ इलाकों के अलावा महाराष्ट्र और तेलंगाना से भी लोगों ने उमरा की शहादत हासिल कर खुशी जाहिर की है। असुन्ना टूर्स एंड ट्रैवल्स का हेड ऑफिस गुलबर्गा में मौजूद है और इसके अलावा बीजापुर, बेल्लारी, शोलापुर, कड़पा और कर्नूल के अलावा दीगर कई जगहों पर इनके ब्रांचेस मौजूद हैं। अगले पैकेजेस में आपके लिए इस महीने सितंबर के अलावा अक्टूबर और नवंबर महीने में उमरा ग्रुप तैयार किए गए हैं, जिनके जरिए आप उमरा रवाना हो सकते हैं। आपकी सहूलत के मुताबिक कम और ज्यादा कीमत में उमरा पैकेज तैयार किए जाते हैं। आप अपनी इस्तेदात के मुताबिक उमरा पैकेज बुक करवा सकते हैं। इस ट्रैवल्स के जरिए आपको हमेशा होटल्स फिक्स मिलेंगे, किसी तरह की कोई तब्दीली नहीं होगी। और इस ट्रैवल्स की खास बात, यहां आपको स्पेशल फैमिली पैकेज भी अवेलेबल मिलेगा, जिसमें आप अपने फैमिली के साथ सेपरेट पैकेज बनवाकर उमरा रवाना हो सकते हैं, जिसमें आपको VIP सहूलत मिलेंगी। आपकी फैमिली के अलावा कोई दूसरे लोग इस पैकेज में मौजूद नहीं रहेंगे। असुन्ना टूर्स एंड ट्रैवल्स के प्रोपराइटर हाफिज शेख इस्माइल जमाई ने तमाम डिटेल बताई है। आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। बहुत ही अच्छा रहा, बहुत ही आसान तरीके से उमरा गए, हर चीज की हर सहूलत दस्तियाब हुई। ग्रुप में बहुत रहनुमाई बहुत थे, दो आलिम थे इसमें जी, रहनुमाई बहुत अच्छी तरीके से, हर अरकान अच्छी तरह से अदा हुए, किन्नत के मुताबिक हर अरकान अदा हुए, अच्छी तरीके से उमरा अदा हो गया। भाई का भी बहुत शुक्रिया, सही पैकेज में सही आदमी के साथ सही उम्र अदा होने का शर्फ हासिल हुआ हमारे को। पैगाम भी यही अच्छा है कि हर इसको जुड़ना चाहिए जी, मैडम के तो खास कर इस पैकेज में जुड़ना चाहिए और असुन्ना से भी जुड़ना चाहिए। हम शाहबाद से आए हुए हैं माशाल्लाह, मालूम नहीं था कि अल्लाह करम हुआ कि हमारे बच्चे हुई असुन्ना ट्रेवल्स बहुत अच्छा है, वहाँ पे आप जाइए उनके साथ में जाइए जी जी माशाल्लाह, उनकी इसे हम तैयार हुए, अल्लाह का करम है। जो हम नहीं समझते थे बराबर, वो चीज़ हमारे सामने पूरी नज़रों में आ गई, सब चीज़ें वक्त पे जाना वक्त पे आना माशाल्लाह, चीज़ देखे जैसा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह करम है कि हाफिज इस्माइल जो है ना बहुत अच्छे आदमी है, ऐसे आदमी नहीं मिलते, ये ट्रैवल जो ग्रुप है ऐसा ग्रुप नहीं मिलता हमको, ऐसा मौलाना भी नहीं मिलते हमको। अल्लाह करम है, हमारी किस्मत से मिल गए हैं, उनके तोहफे से हमको पूरा देखने में आया, पूरे दूर थी नजदीक थी होटलें बहुत करीब करीब थी माशाल्लाह, नमाज में पाबंदी हो गई, सब चीज होंगे जी। बोलते देखो भाई ट्रैवल से जो है मिलता नहीं आपको जी, हाँ जाना चाहते हैं तो आप बोलो, हम उनसे मुलाकात कराते जी जी, तो सयारे में भेजते हैं, हमारी जिम्मेदारी से भेजते हैं। मैं शफीक अहमद बल्लारी शहर से आया हूँ, असुन्ना ट्रैवल से उमरा करने के लिए आया हूँ मैं जी। आप अकेले हैं या साथ में आपके? मैं, मेरी बीवी, मेरे फैमिली से चार मेंबर आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह बहुत अच्छा रहा, जो सुना था उससे अच्छा पाया अल्हम्दुलिल्लाह। तो खाना पीना कैसा रहा? खाना पीना बहुत मजे का था, आपके मिजाज से हिसाब से था कुछ फर्क? नहीं, हमारे हिसाब से था, बहुत अच्छा खाना मिला। और सबसे बड़ी बात क्या है बोले तो हरम शरीफ बहुत नजदीक थी अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि पैदल 5 मिनट का रास्ता था अल्हम्दुलिल्लाह। सुन्ना वाले में आके आने के बाद हम बहुत खुशी महसूस कर रहे हैं माशाल्लाह। मदीने का जो बोले थे उससे उमदा पाया हमने, पैकेज से बेहतर रहा। बोले तो जियारत भी बहुत जो कहा गया था वो जियारत आलिम के रोशनी में जियारत हुई हमारी, सही तरीके से रहनुमाई हुई, होटल अच्छे रहे, बहुत नजदीक मिला अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत से कॉन्टेक्ट में क्या है इसके कमिटी के सुनने के बारे में मालूम पड़ा जी, अच्छा सर्विस है बोल के जी, उसके बाद अच्छा माशाल्लाह होटल खरीद देते बोल मक्का और मदीने में। अल्हम्दुलिल्लाह मक्के में तो 4-3 दिन का रास्ता था मक्के के करीब, और आप फिलहाल मदीने में है, इस होटल के सामने एक ही रोड आ रहा है, ये रोड के बाद क्या है मदीना है। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत करीब है, और 2 दिन रहने का है इस जगह पे माशाल्लाह, और बहुत सुंदर है। अच्छा, हमारा जो इंडियन का है फूड, खाना हो, मिर्ची हो, मसाला हो जी जी माशाल्लाह, चीज माशाल्लाह क्या भी फर्क ना हो। अगर यहाँ बहुत से लोग जाकर ऐसे वाले बोलते हैं नहीं जी वो खिला रहे 2 दिन सटने वाला था जैस खत्म होता है, अल्हम्दुलिल्लाह वो सब भी नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह एक माशाल्लाह एक फैमिली के कमिटी के जैसा देख ले रहे अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, हाईएस्ट सर्विस रहे। अच्छा, खाना पीना होटल और जितने भी जो बता रहे बस लेके एसी बस में हो, एसी बस में हर मस्जिद हर जो पोजीशन ज़ियारत जो है वहाँ पूरा जगह बता ले, पूरे साथ लेके पूरे ये जगह ऐसा है, और हुआ मस्जिद और जुम्मा मस्जिद और वहाँ मदीने में जितने भी है वहाँ भी ज़ियारत जितने भी है पूरा बता ले कर रहे।
माशाल्लाह, अल्लाह गवाह है, अल्लाह गवाह है, मैं भी गवाह है। बेहतरीन क्या सब सर्विस है जी क्या सब। माशाल्लाह मैं कभी भी, मेरा नंबर 9900003976, ये जी मेरा नंबर है, कभी भी फोन करो, मैं इसका गारंटी मैं दे दूँ। खाना माशाल्लाह पीने होटल जो बोले थे उससे करीब है। मेरे होटल बोलते 4 महीने 3 महीने बोले थे, मेरे 4 मीटर 400 मीटर 300 मीटर बोले, हाँ मैं समझता हूँ 100 या 100 मीटर या 150 मीटर के अंदर है। जी जी मक्के माशाल्लाह माशाल्लाह मक्के होटल भी है, और मक्के का तो क्या है, हमारा होटल से कबूतर सर्कल है ना, जी वो कगल माशाल्लाह से वहां से जा रहे थे नमाज को। अच्छा मक्के की माशाल्लाह जाने भी जरूरत नहीं आता, अगर टाइम का तो वजू वजू लेट सुना से मतलब भिड़े रहे हो जी जी क्या था। माशाल्लाह मैं आज सुना से खाली सुना में आया हूँ, जी अब जो भी है उससे भी हाईएस्ट पाया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह क्या था। अल्हम्दुलिल्लाह सर और माशाल्लाह माशाल्लाह सर्विस भी अच्छा है, और बेहतर से बेहतर कम अमाउंट में जी कोशिश कर रहे हैं लोग। और यहाँ के फ्रूटा है, बेहतरीन फ्रूटा है माशाल्लाह। और सुबह क्या है, पायक साला के साल हर चीज दोपहर माशाल्लाह का तो सेम हमारा टाइम ही छे, रात को ईशा के बाद अल्हम्दुलिल्लाह टाइम को क्या भी चेंज नहीं है। सर और कितना भी माशाल्लाह खाओ तुम्हें माशाल्लाह, वो प्लेट खाए ये कम पड़ा वो कर, किसी को कम पड़ा नहीं। अरे इसमें क्या है, 40 के करीब है औरत और मरवा ने ग्रुप में ग्रुप में, और माशाल्लाह यहाँ उन्होंने लाने का खाला क्या है, 80 तक ला रहे खाना, माशाल्लाह डबल हर खाना डबल है, हर चीज डबल है, कोल्ड अल्हम्दुलिल्लाह ड्रिंक्स भी डबल मिल रहा है, मीठा भी दो दो मिल रहे, हर टाइम गोश्त मिल रहा है दो बार। अल्हम्दुलिल्लाह मैं गुलबर्ग डिस्ट्रिक्ट सेडम तालुक में जा रहा हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह सब ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, सब ट्रैवल्स में सब सही रहा है, हमारा खाना पीना और सफर माशाल्लाह हमारा जी जो जो अहकाम करना था वो सब सही हुआ है। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी खिदमत हो गई, बहुत अच्छा रहा सफर। आराम से बिल्कुल करीब थी, जी मक्के करीब थी, यहाँ पे भी करीब है, माशाल्लाह बहुत अच्छा रहा। के बारे में कोई शिकायत नहीं, बहुत अच्छे बनाते गए खाने वाला, जी 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 खाने बहुत अच्छा रहा। दिन साथ थे और पूरा समझाते गए, पूरा जहाँ जहाँ जाके बताते, पूरा मालूम करते गए, जी पूरा जी माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा रहा सब। सुनना अच्छा ट्रेवल्स है, बहुत जी। अच्छा खिदमत करते हैं, बहुत अच्छे तरीके से ले जाएंगे, अच्छे तरीके से ले जाते हैं। किस शहर से आपका ताल्लुक रहा? मन्ना मन्ना के लिए माशाल्लाह बिदर 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 डिस्ट्रिक्ट के। माशाल्लाह माशाल्लाह हमारे भौने साहब हमारे भांजे साहब बोले। जी जी माशाल्लाह हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह आलिम साहब का टूर सा अच्छा है, जी 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 हम ठीक है बोल के। होटलों के बारे में क्या बोलेंगे, अच्छा है होटल नजदीक थे दूर का? थे? नहीं, बिल्कुल नजदीक भी थे अच्छे अस्सलाम भी थे। हाँ बस एक होटल के सामने पूरा मदीना। वालेकुम रहमतुल्लाहि वरकातुहू। हजरात जैसे कि अभी आपने असुन्ना टूर्स एंड ट्रेवल्स के सारे कारनामे या वहाँ के कुछ मनाजिर होटल के खाने पीने के और हमारी ज़ियारतों के एयरपोर्ट के, चाहे वो हैदराबाद एयरपोर्ट हो या सऊदी एयरपोर्ट हो, आपने सारे कुछ नमूने देखे हैं। तो इस मौके पर मैं ये बताना चाहूँगा कि सुन्ना टूर्स एंड ट्रैवल्स गुलबर्गा का एक मारूफ और उभरता हुआ और लोगों के दिलों को मोह लेने वाला जीतने वाला ट्रैवल्स माना जा रहा है, और ये खामोश अंदाज में अपने कामों को अंजाम देता जा रहा है और कामयाबियों की मंजिलों को छूता जा रहा है। हमारा आम लोगों की तरह तशहीर करना मकसूद नहीं है, हमारा बुनियादी मकसद यह है कि उमरा करने वाले जितने भी अहबाब हों उन तमाम को कुरान और सुन्नत की रोशनी में उमरा कराएं, यह हमारा बुनियादी मकसद है। यही वजह है कि हम अपने हर सफर में उलमाए कराम को रखते हैं और उनकी निगरानी में सारा सफर तय होता है। मक्का और मदीने में उलमा ग्रुप के साथ हुआ करते हैं और कुरान और सुन्नत की रोशनी में जुमला मालूमात फराहम करने की कोशिश करते हैं। हजरत आपको मालूम होना चाहिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि फलोअनी मैं ऐसे लिखूँ लोगो, हज हो या कि उम्रा, इसकी जितने भी मालूमात हो मुझसे हासिल करने की कोशिश करो। आज का एक बड़ा अलमिया है, हर कसो नाकस इस मैदान में दाखिल हो चुका है, जबकि उलमाए कराम को इस मैदान में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना चाहिए। चूंकि सिर्फ खाने पीने के मसाइल नहीं रहते, होटल के मसाइल नहीं रहते, बहुत सारे ऐसे मसाइल आते हैं
जिसका इल्म होना बहुत जरूरी है। इल्म की रोशनी में उमरा कराने वाले मोतमरीन को मुतमईन करते हैं, तो यकीनन उनकी ये रहबरी और रहनुमाई बड़े अजर का बाइस बनती है। लेकिन ऐसा बहुत कम हमें देखने में आता है। बहरहाल हमें इन चीज़ों को बयान करना नहीं है, हम अपना तारुफ कराना चाहते हैं। अल्लाह का शुक्र है, जितने भी लोग हमसे जुड़े हुए हैं, जितने भी लोग हमसे खिदमात ले चुके हैं, वो बड़े मुतमईन हैं। और अल्लाह से भी हम ये कभी उम्मीद रखते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हमारी इबादत को, खिदमात को कबूल फरमाएगा, और उसके लिए हम दुआ को भी अल्लाह से। इसके अलावा दो तीन बातें मैं अपने ट्रैवल्स के बारे में बताना है, वो ये है कि अल्लाह का शुक्र है कि हर महीने में हमारा ग्रुप हैदराबाद से निकलता है, अब अल्हम्दुलिल्लाह मुंबई से भी हमारे ग्रुप रवाना हो रहे हैं, और बहुत जल्द इंशाअल्लाह अजीज बेंगलुरु से भी हमारे ग्रुप रवाना होंगे। न सिर्फ जिला गुलबर्ग बल्कि जिला यादगीर, जिला रायचूर, जिला बीजापुर, जिला बधारी और भी कर्नाटक के मुख्तलिफ इलाकों से लोग अलहमदम से रब्ता कर चुके हैं और हमारे साथ उमरे का सफर भी कर चुके हैं। यही नहीं बल्कि शोलापुर और क्या कहते हैं औरंगाबाद, परली और इसी तरह से नांदेड़ के लोग भी अलहमदिल्ला हमारे साथ उमरे के सफर पर आ चुके हैं, और हमारे मुख्तलिफ ये ब्रांचेस भी हैं अलहमदिल्ला। बल्लारी में हमारा ब्रांच कायम है, बीजापुर में हमारा ब्रांच कायम है, इसी तरह से नेल्लूर में हमारा ब्रांच कायम है, अल्हम्दुलिल्लाह गुलबर्ग तहत ब्रांच है। अभी इंशाअल्लाह रसीद में ये बात बताना चाहूँगा कि बहुत जल्द तक सितंबर का ग्रुप रवाना होगा, आखिरी अशरे में मुमकिन 24-25 तारीख को ही हमारा ग्रुप रवाना होगा, दो चार दिन में सही डेट आ जाए इंशाअल्लाह। उसके बाद अक्टूबर में भी अवाइल में एक ग्रुप रवाना होगा, अक्टूबर के अखीर में हमारा एक ग्रुप रवाना होगा, इसी तरह से नवंबर में, दिसंबर में, हर महीने में अब्दुल्ला ग्रुप रवाना हो रहे हैं। और पैकेजेस की जहाँ तक बात है, बहुत मुनासिब पैकेज हमने रखे हुए हैं। सबसे छोटा जो पैकेज है हमने 73 रखा हुआ है, 75 रखा हुआ है, सबसे छोटा पैकेज है। और उसके अलावा आम डिलक्स के तौर पर जो हमने जिस पैकेज को मुतारफ कराया है, वो पैकेज 89,000-87,000 भी कभी कभी हुआ करता है, कभी 85,000 भी हुआ करता है। ये फ्लाइट के किराए पर इन तमाम चीज़ों को जो इन्हिसार है, दारदार है। बहरहाल मैं चाहूँगा कि आप लोग सुन्नत टूर्स एंड ट्रैवल्स से जो है अपना रब्ता कायम करें, मुतवज्जे हों, और जिस तरह की भी मालूमात या जिस तरह की भी हमसे खिदमात आप लोगों को लेना है ले सकते हैं। अगर किसी को सिर्फ होटल चाहिए तो हम होटल देंगे, सिर्फ खाना चाहिए तो खाना देंगे, सिर्फ वीज़ा चाहिए तो इंशाल्लाह वीज़ा भी अवेलेबल है, होटल चाहिए इंशाल्लाह सिर्फ होटल हम देंगे। नहीं भाई, हमको जो है मुकम्मल उमरा पैकेज चाहिए, इंशाल्लाह उमरा मुकम्मल पैकेज भी हम आप लोगों को बिल्कुल मुनासिब पैकेज बना कर देंगे इंशाल्लाह। इसके अलावा भी बहुत सारे हमारे ऐसे अहबाब हैं जो ग्रुप के साथ जो है उमरा करना नहीं चाहते, वो स्पेशली अपने फैमिली के साथ जो है उमरा करना चाहते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह उनके लिए भी हमारे पास पैकेजेस मौजूद हैं। वो जिस तरह का पैकेज चाहते हैं इंशाल्लाह उस तरह के पैकेजेस हमारे पास मौजूद हैं। बिल्कुल छोटे से छोटा पैकेज लेकर के 5-स्टार होटल तक अगर आप चाहते हैं तो भी इंशाल्लाह वजीज हम आपको फराम करने की कोशिश करेंगे। हर एतबार से हम आपकी खिदमत के लिए अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर बैठे हुए हैं। मैं आपसे मुल्तमिस हूँ, गुजारिश करता हूँ कि आप एक मरतबा ज़रूर सुन्नत टूर्स एंड ट्रैवल्स को जो है हाजिरी दें, हमसे मुलाकात करें। हम कभी उम्मीद रखते हैं अल्लाह की ज़ात से कि इंशाल्लाह आप हमारे बातों से, हमारे खिदमत से मुतमईन होंगे।